सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मकाउट यूनिवर्सिटी के बारे में हर एक चीज़ डिटेल्स में जानेंगे। बहुत जन मुझे कमेंट कर रहे थे कि मकाउट यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले, क्या फ़ीस है, क्या क्या कोर्स है, एवरीथिंग, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या, एलिजिबिलिटी क्या, हर एक चीज़ बताने। तो इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ डिटेल्स में बताने का, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस यूनिवर्सिटी की, जो कि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उस पर डिस्कस करते हैं हर एक चीज़। ये मकाउट यूनिवर्सिटी फॉर्मली मीन्स कि मतलब कुछ साल में ही नाम चेंज हुआ है। पहले इसका नाम था WBUT, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये आपका इसका फुल फॉर्म है। और इसका सबसे पहले लोकेशन जान लेते हैं, लोकेशन कहाँ है। ये सेक्टर 1, विधाननगर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, 7,64,000 ये है, ठीक है। तो अगर आपको इसके डिटेल्स में हर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आपको हर एक चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो अगर मकाउट सर्च करोगे ना, तो ये वेबसाइट इसका ऑफिशियल, ये एग्ज़ाम है, ये पर्सनली स्टूडेंट लोग के लिए है ये, ठीक है, exam.net वाला। तो आपको ये वेबसाइट में जाना है, ठीक है, mockout.wb.ac.in, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिटेल्स में। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपको पता है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कोर्स ऑफर में, क्या क्या कोर्स आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज है इन हाउस, मतलब ये यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ाई होता है। और बहुत जानते हो कि यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड कॉलेज भी होते हैं, जैसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज है, गोइंका हुआ, गोइंका, हेरमचंद, बहुत सारा आशुतोष, बहुत सारा कॉलेज है जो कि एफिलेटेड है। लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ाई कर सकते हो उसके एफिलेटेड कॉलेजेस में, ठीक है। तो इन हाउस मतलब उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब मकाउट के वो जो सेक्टर है विधाननगर में, उसमें आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हो। बीटेक कर सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब बगल में आपको सीट दिया हो, कितना कितना सीट है, ठीक है। BSc इन एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग, BSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन एनवायरमेंटल साइंस, BSc इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BSc इन फॉरेंसिक साइंस, BSc इन गेमिंग एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, BSc इन इंटीरियर डिज़ाइन, BSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BSc इन IT, बिग डाटा एनालिटिक्स, BSc इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोर्सेस है, ठीक है। ओवरऑल बहुत सारे कोर्सेज BSc में, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ है। रोबोटिक, 3D प्रिंटिंग है, मल्टीमीडिया एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन है, मल्टीमीडिया साइंस, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, मटेरियल साइंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी है, BBA इन बिजनेस एनालिटिक्स है, BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, BBA इन रिस्क मैनेजमेंट है, BBA इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, और BCA है। और बगल में आपका सीट भी दिया है। ये सब UG कोर्स था। अगर PG में जाना चाहो तो PG में बहुत सारा कोर्सेस, ठीक है। तो MTech इन बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, MTech कर सकते हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये। और बगल में आपको पता है कितने सीट्स है, तो सीट्स देख रहे हो बहुत ज़्यादा कम ही है, 30 सीट है हर एक फील्ड में, 30, 10, 15 ऐसे करके है। ये सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे कोर्सेस है आपका PG के लिए। माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल जेनेटिक्स, EVS है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है, तो बहुत सारे। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी कोर्स होता है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग में, कैपिटल मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट में, कंप्यूटर फॉरेंसिक, साइबर क्राइम एंड रिलेटेड लॉस में, PGD इन फॉरेंसिक साइंस एंड रिलेटेड लॉ, इंटरनेट, TV, कंटेंट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब में भी है। अगर कोई 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हो, एडवांस कंप्यूटेशनल साइंस भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, क्लिनिकल फार्मेसी है, कंप्यूटर फॉरेंसिक, साइबर क्राइम, कोर नेटवर्किंग, क्रिप्टोग्राफी, साइबर सिक्योरिटी है, डाटा एनालिटिक्स है विद पाइथन है, डाटा साइंस विद आर, फूड प्रोसेसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, रोबोटिक, वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन, बहुत सारे, ठीक है। ये सारे कोर्सेज थे। इसके बाद यहाँ पे एक और कॉलम आप देख पाऊँगा, एफिलेटेड कॉलेज मीन्स कि ये यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज एफिलेटेड हैं उनमें क्या क्या कोर्स होता है। तो ये सारे कोर्सेस हैं जो कि आप लोग, अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख पाओ, ऑलमोस्ट बहुत सारे कोर्सेज थे, BCA है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मीडिया साइंस, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आपको इसके एफिलेटेड कॉलेजेस में मिल जाएगा। तो ये सारे आपके बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो ऑलमोस्ट हर एक कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएगा टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है।
टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी कोर्सेस है सारे इसमें अवेलेबल है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये सारे एफिलेटेड कॉलेजेस के में आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपका कोर्स ऑफर, ठीक है, कोर्स ऑफर क्लियर हो गया मतलब इसकी ये सब डिग्री विग्री क्लियर हो गया। और जैसे कि एकेडमिक में जैसे आप जाते हो ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेबस, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस भी मिल जाएगा आपको। तो सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिलेबस आपको बता दी, यहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मुझे अब एडमिशन में जाना है, ठीक है। एडमिशन में आपको पहले उससे पहले एडमिशन से पहले आपको थोड़ा अच्छा एंट्रेंस के बाद में बता देते हैं। चलिए एडमिशन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारा बहुत सारे कोर्सेज में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बेसिस में आपको एडमिशन होता है। जो कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है उस जो जो कोर्स यहाँ पर अभी मेंशन रहेगा उसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। बाकी जो कोर्सेज नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पे जो अभी डिस्कस करूँगा वो सब मैं आपका नॉर्मल 12 के बेसिस के मेरिट पे हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है WBJEE, ये कंडक्ट कराता है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड। क्यों अगर आपको अगर बीटेक बीआर्च बीफार्म प्रोग्राम्स में अगर आपको चाहिए एडमिशन लेना है तो आपको WBJEE आपको करना पड़ेगा, मीन्स कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका ये सब चीज़ में आपका एडमिशन होगा इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और ये आप बोलोगे एंट्रेंस एग्जाम कैसे देंगे, जैसे इस पे क्लिक करोगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा WBJEE वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड का, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद भरना है, ठीक है। उसके बाद आता है CET। अगर आप नॉन AICTE प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो UG PG में, ठीक है, उसके लिए आपको CET देना पड़ता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया आपका वही है 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है। और CET मान लीजिए और JEE MAT, अगर आपको MBA कोर्स कर रहे हो तो आपको यहाँ पे JEE MAT देना पड़ेगा। अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करने से, अप्लाई कर सकते हो उस मीन्स की पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए, एंट्रेंस पास करो उसके बाद आप को भी मीन्स की इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो अगर आपका मार्क्स अच्छा आया तो। उसी हिसाब से JEE CA आपको देना पड़ता है अगर MCA करना चाह रहे हो, JEE HOM देना पड़ता है अगर आपको होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी में करना है, JEE LET देना पड़ता है अगर आपको करना है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी, PGET करना पड़ता है आपको अगर आप क्या बोल MTech एंड MPhil कोर्स करना चाहते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक MTech ये सब, ठीक है। उसके बाद आपको GATB देना पड़ता है अगर आप MTech बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम करते हो, तो PhD कोई भी चीज़ में कर रहे हो तो आपको PhD प्रोग्राम में मिल जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको अगर CET देना है, CET में बहुत सारे कोर्सेस में आपका एडमिशन CET से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई में क्लिक करना है, अप्लाई में जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका अलग से CET का पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। JEE MAT का भी एप्लीकेशन ऑनलाइन अभी खुला हुआ और CET का भी खुला हुआ है। CET पे जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसी हिसाब से आप अप्लाई कर लोगे, उसके बाद आपको एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम देना है, उसके बाद फिर मार्क्स ऐसे आता है उसी हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलेगा और अच्छा कॉलेज मिलेगा मिल जाएगा मेरिट के बेसिस पे आपको मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो ये सारे एंट्रेंस टेस्ट है ये चीज़ जो कि आपको अगर मकआउट में कोई भी कोर्स करना है तो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। जो मीन्स के जो जो कोर्स नहीं दिया मतलब उस सब कोर्स में आपको सिर्फ 12 के बेसिस पे मेरिट के बेसिस में एडमिशन हो जाएगा, 12 के एग्ज़ाम मीन्स रिजल्ट के बेसिस में हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्स ऑफर पता चल गया, एडमिशन प्रोसेस पता चल गया क्या है, एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता उसमें नॉर्मली आपका अप्लाई नॉर्मल एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, कोई एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप बात कर लेते हैं थोड़ा फीस के बारे में, फीस क्या है इस कॉलेज का मीन्स कि इस यूनिवर्सिटी का अपना, ठीक है, इन हाउस इसके मीन्स कि इससे एफिलेटेड कॉलेज का नहीं, इसमें अगर पढ़ रहे हो तब। तो अब देखोगे कि टोटल कोर्स फीस यहाँ पे देख लो 94,800, 94,800, ये सारे कोर्स इन शॉर्ट आप यहीं पे देख लो टोटल सेम यहाँ 4 है, मतलब ये सब 2 साल के फीस है, ठीक है, ये सब 2 साल के फीस है। अब ऑलमोस्ट कोई भी MSc मास्टर्स कर रहे हो तो लगभग आपका 94-95,000 पड़ रहा है, 86 पड़ रहा है आप जेनेटिक्स बाय माइक्रोबायोलॉजी MSc कर रहे हो, सेमेस्टर 4 ही मतलब 2 साल में लगभग आपका 86,000 समथिंग पड़ रहा है। जो भी MTech में कर रहे हो सब वही पड़ रहा है, एम फार्म जैसे 62 पड़ रहा है आपका MTech इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एम फार्म में 1,34,000 पड़ रहा है 4 सेम के लिए, देख सकते हो यहाँ पे। तो हर एक का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे 1,74,000 पड़ रहा है, 1,74,000 आपका
एमबीए कर रहे हो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, एमबीए एनालिटिक्स कर रहे हो तो आपको 1,74,000 पड़ रहा है, ठीक है। और बीटेक कर रहे हो, बीटेक लगभग देखो 1,90,000, लगभग 2 लाख रुपया पड़ रहा है अगर बीटेक सीएससी कर रहे हो, आईटी कर रहे हो, और 12,300 आई थिंक सो ये थोड़ा मिसिंग है, 1,23,000 होगा बीटेक सीएससी कर रहे हो तो 8 सेमेस्टर टोटल 4 साल है ये, ठीक है। बीटेक सीएससी कर रहे हो तो 6 सेमेस्टर मतलब 3 साल, 1,44,000 समथिंग लगे। और आप बीएससी कर रहे हो तो वही समथिंग 1,30,000 में कोई भी बीएससी का हो जाएगा, ठीक है। बीसीए एंड बीबीए कर रहे हो तो आपका लगभग 1 लाख लग जाता है 3 साल में, ठीक है। बीसीए या बीबीए लगभग 1 लाख लग जाता है, इन कोर्स फीस है, ठीक है, इन हाउस इसी में, इसका एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए नहीं है, ठीक है। कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो लगभग 10,000 में हो जाता है। हॉस्टल अगर हॉस्टल ले रहे हो तो आपका लगभग 20,000 रुपया पर सेमेस्टर लगता है। आपको पार्टनरशिप प्रोग्राम कर रहे हो तो ये सब फीस से 2 लाख समथिंग लगता है। तो आपको फीस पता चल गया कि ऑब्वियसली यहाँ से जाओगे आप वेबसाइट में जाओगे तो हर एक चीज़ का यहाँ पे फीस आप देख पाओगे, ठीक है। आप सिलेबस देख पाओगे, आप एडमिशन प्रोसेस देख लिए कि क्या क्या आपको एडमिशन करना, कोई अगर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आपको एडमिशन ये कोर्स करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम को कहाँ से पता चलेगा, एकेडमिक में जैसे जाओगे आपको यहाँ पे कोर्स ऑफर दिख जाएगा। कोर्स ऑफर तो पता ही दिया, कोर्स ऑफर डिग्रीज ऑफर वही चीज़ है। सिलेबस यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सिलेबस पता चल जाएगा, ठीक है। एडमिशन में जाओगे तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं है क्योंकि आपको पहले आप फीस यहाँ से फीस पता चलेगा। एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा कोई भी कोर्स कर रहे हो, लेकिन जो जो कोर्स बहुत सारा कम ही मतलब कुछ हद कुछ कोर्सेज में ही आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, कुछ कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। जिस कोर्सेज में आपको एंट्रेंस देना पड़ता है तो एंट्रेंस एग्जाम में क्लिक करोगे तो बहुत सारा कोर्सेस आएगा, उसमें से देखो कौन सा कोर्स करना है, उसके बगल में उसका एंट्रेंस एग्जाम का नाम लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। उसके बाद डेफिनेटली अगर आप अच्छा स्कोर करते हो एंट्रेंस टेस्ट में तो आपको डेफिनेटली अच्छा कॉलेज में, इसका एफिलेटेड अच्छा कॉलेज में मिल जाएगा या फिर इसी में मिल जाएगा। आई होप सो सारे इन्फॉर्मेशन क्लियर होंगे, हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बताइए, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ये वीडियो यहीं देखता।